Hello friends, welcome back to Career Smart Learner. I am Sonali Mehta, your science tutor, and आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं for standard 8 science chapter number 13 sound. वैसे हम sound के बिना हमारी life imagine ही नहीं कर सकते, तो देखते हैं sound क्या है. चिड़ियों की गुनगुनाहट से लेके आने वाली हर आवाज, movie का background music हो या मन पसंदीदा गाने हो, हर एक चीज़ के लिए साउंड रिक्वायर्ड है. जैसे लाइट के बिना हम लाइफ इमेजिन नहीं कर सकते, वैसे साउंड के बिना भी हम हमारी लाइफ इमेजिन नहीं कर सकते. सो आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि साउंड क्या है, व्हाट इज साउंड, किस तरीके की एनर्जी है. सेकेंड, किस तरीके से साउंड से अलग अलग तरह की साउंड हम प्रोड्यूस करते हैं, धुन क्या होती है, ध्वनि क्या होती है, कैसे वो प्रोड्यूस होती है, किस तरीके से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट साउंड प्रोड्यूस करते हैं, हम ह्यूमन किस तरीके से साउंड प्रोड्यूस करते हैं, एंड किस तरीके के साउंड की क्वालिटीज क्या है, कैसे वो प्रोपोगेट होता है, ये सारी बातों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं इन दिस चैप्टर. एंड लास्टली हम ये भी पढ़ेंगे कि साउंड अगर हद से ज़्यादा हो तो वो क्रिएट करता है नॉइस पॉल्यूशन. सो स्टे ट्यून्ड विद अस टू अंडरस्टैंड द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज कॉल्ड साउंड. सो सबसे पहले देखते हैं कि साउंड है क्या, है ना. तो साउंड क्या है. Sound is a form of energy. ये एक तरह की energy है. It is form of energy produced when air molecule vibrate with each other. जब air molecule एक दूसरे के साथ vibrate हो गए in particular pattern called wave. Sound is a form of energy produced when air molecule vibrate in a particular pattern called waves. जब एक तरह की एनर्जी है साउंड जो प्रोड्यूस होती है अगर एयर मोलिक्यूलर कोई पर्टिकुलर पैटर्न में वाइब्रेट होते हैं. ठीक है, थोड़ा सा हार्ड हो गया समझना, तो उसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं. ठीक है, ओके. तो सिंपल सी बात ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तो ऑब्जेक्ट के वाइब्रेट होने से एयर मोलिक्यूल, आसपास के जो एयर मोलिक्यूल होंगे उसमें भी वाइब्रेशंस क्रिएट होंगे, और ये जो वाइब्रेशंस क्रिएट होंगे ये एक पर्टिकुलर पैटर्न में क्रिएट होंगे जो साउंड प्रोड्यूस करेंगे. ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर पैटर्न में हमारे आसपास के एयर मोलिक्यूल वाइब्रेट हो रहे हैं उसे हम बोलेंगे वेव्स. ठीक है, तो जो साउंड है वो एक तरह के वेव्स है जो हम सुन पा रहे हैं या फील कर पा रहे हैं. ठीक है, थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं. जैसे कि हमने पहले बोला कि साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस व्हेन एयर मोलेक्यूल वाइब्रेट इन पर्टिकुलर पैटर्न कॉल्ड वेव्स. तो वाइब्रेशन क्या है ये भी हमें समझना पड़ेगा, है ना. तो पहले देखते हैं कि वाइब्रेशन क्या है. सो वाइब्रेशन इज अ ट्रू एंड फ्रो मोमेंट और इट इज बैक एंड फोर्थ मोमेंट. कोई भी चीज टू एंड फ्रो और बैक और फोर्थ एक पर्टिकुलर पैटर्न में मूव करती है तो वाइब्रेशन क्रिएट होता है. सो टू एंड फ्रो और बैक और फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वाइब्रेशन, राइट. तो ये बात क्लियर है कि कोई भी ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ मूवमेंट क्रिएट करेगा, यानी कि वाइब्रेट होगा तो साउंड प्रोड्यूस होता है. जैसे कि हम हमारे आसपास बहुत सारी चीजें देखते हैं, राइट. बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो अलग अलग तरीके की आवाज, ध्वनि, सुर निकालते हैं. तो ये आवाज कैसे प्रोड्यूस हो रही है, जैसे कि कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की हम बात करें, राइट. लाइक साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेशन. ठीक है, देखो यहाँ पे हमने कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स देखे हैं. हम बात करने वाले हैं कि अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में साउंड अलग अलग तरीके से प्रोड्यूस होगा, राइट. जैसे कि देख लीजिए कि हमारे आसपास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है. सो साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेशन, ये बात हमारी क्लियर है, राइट. तो देखते हैं कि किस किस चीज़ों के वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होगा. तो हमारे पास तीन अलग अलग तरीके के हम यहाँ पे बात करेंगे कि या तो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे हैं जिसमें मेम्ब्रेन वाइब्रेट होने की वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है, राइट. कुछ ऐसे है जिसमें स्ट्रिंग्स वाइब्रेट होने की वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है, और कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे हैं जिसमें एयर ब्लो करने से, एयर कॉलम के वाइब्रेट होने की वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है. तो इनके कुछ एग्जांपल भी देखिए, जैसे कि मेम्ब्रेन वाइब्रेट होने से ड्रम में, या फिर ढोलक में, या फिर तबला है. ये सारी इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे हैं जिसमें मेम्ब्रेन के वाइब्रेट होने से साउंड प्रोड्यूस होता है. वीणा है,
सितार है, ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जिसके स्ट्रिंग्स वाइब्रेट होने से साउंड प्रोड्यूस होता है, जैसे कि आपका गिटार भी है, राइट। और फ्लूट और करताल ऐसे है जिसमें और एयर कॉलम के वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होगा। तो ये तो बात हुई कि किस तरीके से अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट अलग अलग तरीके से साउंड प्रोड्यूस करते हैं, राइट। अब हमें देखना है कि हम ह्यूमन हमारे बॉडी में ऐसे कैसे वाइब्रेशन होते हैं और किस तरीके से हम अलग अलग तरह के प्रोनाउंसिएशन या धुन गा सकते हैं या बोल सकते हैं।